नमस्कार, मैं पुष्पा जांगिड, पुष्पाज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ महाराष्ट्र का झणझणी जायका। उसमें हम बनाएंगे इडली के साथ खाने वाली चटनी। वैसे तो इडली हमेशा साउथ इंडियन स्टाइल में खोपरे की या फिर दालिए की चटनी के साथ खाई जाती है, पर आज मैं आपको कुछ नया टेस्ट करवाऊँगी। वो है शेंगदाण्याची हिरवी चटनी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। शेंगदाण्याची चटनी के लिए हमें चाहिए मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को हम पैन में अच्छे से सेकेंगे, चलाते हुए इतना अच्छे से सेकेंगे कि वो हमें फूटे हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब है बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। अब हम उन्हें ठंडा करने के लिए एक प्लेट में रख देंगे और हम इन्हें छिलके के साथ ही यूज़ करेंगे क्योंकि छिलकों में स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब हम निकालने के बाद इसी पैन में हरी मिर्च सेकेंगे। आप हरी मिर्च की जगह सूखी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल उसकी सहायता से सेकेंगे, बहुत ध्यान से, मिर्ची बहुत चटक के उड़ती है। अब हम इसी पैन में जीरा रोस्ट कर लेंगे। जीरे को निकालने के बाद सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी है, देखिए। अब हम इन्हें मिक्सर के जार में डालेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें अदरक, लहसुन, आप चाहो तो लहसुन ना भी यूज़ करो तो चलेगा, स्वादानुसार नमक और एक मुट्ठी जितना हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो भी ये चटनी बना सकते हो। अब इसे हम थोड़ा दरदरा पानी की सहायता से पीस लिया, एकदम बारीक हमने नहीं पीसा है, बहुत बारीक पेस्ट नहीं करनी है। अब पैन में हमने तेल ले लिया है, कोई भी तेल। इसमें हम डालेंगे जीरा और जितना हमें लिक्विड चाहिए उस हिसाब से हमने पहले मिक्सी में ही पानी डाल के लिक्विड बना लिया था। अब हमने ये तेल में डाल के सिर्फ़ और सिर्फ एक उबाल के साथ हमें यह चटनी सिझानी है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पहले से सेकी हुई है। ये चटनी आप ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी या फिर सादी इडली के साथ बहुत पसंद करोगे और साथ में हो कांदा, नींबू, तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अब करते प्लेटिंग। हरी चटनी कलर दिखने में देखिए। मैंने प्लेटिंग के लिए, गार्निशिंग के लिए हरी दूब का इस्तेमाल किया है, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हरा धनिया, ये देखिए ज्वारी की रोटी, ये सादी इडली और साथ में हाथ से फोड़ा हुआ कांदा यानी प्याज। ये हरी चटनी, फोड़ा हुआ प्याज, ज्वारी की रोटी, इडली, ये महाराष्ट्र में बहुत पसंद किया जाता है। शायद आपको भी ये बहुत पसंद आए, कुछ नया, कुछ टेस्टी शेंगदाण्याची चटनी। थैंक यू।